नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स पेपर। मेरा नाम है विशाल परिहार। हर दिन सुबह 7 बजे करते हैं हम द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। ये डिस्कशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कशन के लिए क्या क्या एग्जाम में ये आपका हेल्प करेगा। सबसे पहले बैंक SSC के अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होती है उसमें सबसे पहले डायरेक्टली इसका हेल्प होता है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम किसी और एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेट का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां डिस्क्रिप्टिव आता है, चाहे UPSC के अलावा स्टेट PSC वगैरह कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा जब आप इंग्लिश कर रहे होते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में, क्लोज टेस्ट करने में, एरर डिटेक्शन करने में, तो आपकी रीडिंग बड़ी हेल्प करेगी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के दोनों एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। देखो कितनी शानदार बात कही गई है, ये हमें लगता है हमारे साथ में होता है ऐसा। कई बार हम देखते हैं, हम कहते हैं यार ये हमसे हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, अचीव करना बड़ा मुश्किल है। दूर से हमें सफलता के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, होता दोस्तों ऐसा ही है। हम तैयारी करते हैं, तैयारी करते तो हमें लगता कई बार यार इंग्लिश हमसे होगी नहीं, मैथ्स हमसे होगी नहीं, रीजनिंग हमसे होगी नहीं, हम कई बार छोड़ देते हैं उसे बीच में। लेकिन अगर कई बार आपने हिम्मत करके कोशिश करी उसे पढ़ने की तो आपको लगता है नहीं ये तो हमसे हो रही है, ये तो हमसे कर पा रहे हैं। जितना आप कोशिश करते जाते करीब आते जाते उतना आपको लगता है इसमें तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये तो आपको आ रहा है। बस वही चीज हमें ध्यान रखनी, कुछ और नहीं है, है ना। चलिए इसी को शुरुआत करते हैं यहां से, एक सेकेंड रुकेंगे बस। देखो यहां से आ जाते हैं, आ गया दोस्तों। ये आर्टिकल है जो हमें पढ़ने हैं, एक एक करके दोस्तों हम इनको पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल दिया है दोस्तों वार्निंग बेल्स। बेसिकली किसके बारे में डिस्कशन है, वार्निंग बेल्स। जितना हमारा अभी तक डेटा मिला है ओमिक्रोन वायरस के केसेस का, उसके हिसाब से रिसेंटली अगर हम इस मंथ को देखें, दिसंबर मंथ को, तो केसेस काफी तेजी से बढ़ने लग गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि केसेस इतना तेजी से बढ़ जाए जैसे कि लास्ट ईयर डेल्टा वेरिएंट के साथ हुआ था और हम रेडी ना रह पाए। रेडी रहने के लिए ये वार्निंग बेल है, अलार्म टाइप का है। तो ये डिस्कशन करने के लिए हमारे सामने ये है, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है आपके सामने ट्रबल्ड वाटर्स। रिसेंटली एक हादसा हुआ, हुआ क्या उसमें, कुछ तमिलनाडु के फिशरमैन थे जिनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया श्रीलंका की नेवल के द्वारा। क्या हुआ है पूरा डिस्कशन हम इस पर आके पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों ये है, डिस्कशन यहां पर ये चल रहा है जितने भी हमारे नेबरहुड हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशन होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इनफैक्ट फॉर एवरी कंट्री। ये बात करें पूरे एशियन रीजन की, तो ये डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पूरे रीजन को लेकर है। यह आर्टिकल है दोस्तों इलेक्टोरल रोल में, इलेक्टोरल रोल को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, वही आर्टिकल ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये भी हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों फॉरेस्ट को लेकर है, जितनी हमारी स्कीम्स बनती हैं फॉरेस्ट एक्ट को लेकर, असल में वो फॉरेस्ट एक्ट को लेकर कितना ज्यादा उस पर इंप्लीमेंटेशन हो पाता है उस पर डिस्कशन है। स्कीम्स हैं कुछ कुछ जगह तो उसका इंप्लीमेंटेशन सही है, बट नॉट फॉर एवरीवेयर, हर जगह ऐसा नहीं है। तो हर जगह ऐसा हो उसको लेकर डिस्कशन दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। अगला दोस्तों आपके सामने ये है, यहां दोस्तों ये बोला जा रहा है एक
मतलब ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए, याद है आपको एक कॉमेडियन व्यक्ति है मुनव्वर फारूकी, है ना, उसको लेकर काफी आपने आर्टिकल पढ़े होंगे। एक आर्टिकल और आया था कि एक शो होने वाला था, उस शो को रोक दिया गया, फिर सारे शो रोक दिए गए। क्यों रोक दिए गए? क्योंकि उससे पहले उसने एक बार एक शो में हिंदू देवी देवताओं की कुछ इस तरीके से मजाक बनाया था कि वो हर्ट कर रहा था। इस तरीके के बाद जेल में रखा गया, बहुत सारी चीजें, फाइनली क्या फिर से उसे रोका जा रहा, तो उस पर डिस्कशन है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। चलो ये आर्टिकल है दोस्तों पढ़ने वाले, वो मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। आज वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, आप में से सभी लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए रेडी है। तो मेंस में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आज दोस्तों है मेंस की क्लास का डे वन, ठीक है। तो 10 बजे लाइव हम जुड़ेंगे, IBPS PO मेंस, क्लर्क मेंस, साथ में SBI PO मेंस, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे थे वही प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सब लोग 10 बजे जुड़ना यहां पर, ठीक है। आइए वो क्या आप नोट करते हैं दोस्तों एक एक करके जो यहां पर आई है, नंबर वन वन करके लिखते जाना। पहला वर्ड दोस्तों आपके लिए रिट, आपने टर्म सुना होगा एक रिट पिटीशन, रिट पिटीशन, उसी रिट पिटीशन से याद रखेंगे वही रिट है। रिट आपका नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है ए फॉर्म ऑफ रिटन कमांड। रिट क्या होता है? रिटन कमांड का एक प्रकार हो गया, एक फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ अ कोर्ट या फिर अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट, किसी कोर्ट को लेकर या लीगल अथॉरिटी को लेकर के उसको काम करना है, जिसे रिट पिटीशन जाती है। तो हम लिखित में कोई अपनी याचिका देते हैं, अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो एक रिट पिटीशन हमने कोर्ट को भेजी कि प्लीज आप ऐसा कर दीजिए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि प्लीज आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे करके दोस्तों यहां पर ऐसे करके यूज होता है। तो हमने लिखा ए फॉर्म ऑफ रिटन कमांड इन द नेम ऑफ अ कोर्ट और अदर लीगल अथॉरिटी टू एक्ट या फिर एब्सटेन फ्रॉम एक्टिंग या फिर इन अ पर्टिकुलर वे किसी भी तरीके का समन्स होना, बुलावा होना, किसी भी तरीके की ऐसी पिटीशन को जो रिटन फॉर्म में है उसे हम रिट कहते हैं, याद रखिएगा। ओके अगला वर्ड है दोस्तों एग्जोर्ट। एग्जोर्ट आपका वर्ब की तरह यूज होता है, एग्जोर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। आपने किसी को अर्ज किया कि प्लीज आप ये काम कर दीजिए, उसे बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आपने उसे रिक्वेस्ट करी, ये रिक्वेस्ट करना ही बेसिकली दोस्तों एग्जोर्ट कहलाता है, वर्ब की तरह यूज होता है दोस्तों, इसको याद रखना है ना, एग्जोर्ट कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसे याद रखना है, लिखते जाओ। अगला वर्ड है आपके लिए EBB एब। एब वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, कितने लोगों के लिए नया है लिखकर बताना। वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स ऑफ एन इमोशन या फिर क्वालिटी ग्रेजुअली डिक्रीज या फिर डिमिनिश, जो कि धीरे 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 कम हो रही है, डिमिनिश हो रही है, इसको हम बोलते हैं एब। EBB वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। अगला वर्ड है दोस्तों मिंगल। मिंगल आपका वर्ब की तरह यूज होता है, ये टर्म ऐसे यूज होता है पब्लिक मिंगल, यानी कोई भी चीज आप डिस्कशन में लेकर आ रहे हो तो पब्लिक डिस्कशन में होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन में होना चाहिए, यानी कि वो पब्लिक में घुला मिला होना चाहिए। तो ऐसे घुलना मिलना आपका मिंगल करना कहलाता है। मिक्स और कॉज टू मिक्स टुगेदर, एक साथ मिक्स होने का कारण होना या फिर मिक्स हो जाना, घुलना मिलना, ये आपका मिंगल कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखिएगा। ओके अगला वर्ड है आपके लिए ट्रॉलर, TRAWLER ट्रॉलर। ट्रॉलर आपका शिप को हम बोलते हैं, वो शिप या फिर वो कोई भी जहाज या छोटी कोई बोट, जिससे कि क्या हो, जिसमें काफी बड़ा एक जाल लगा होता है मछलियों को पकड़ने के लिए, उसको बेसिकली ही हम ट्रॉलर कहते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए बेसिकली बना होता है ये बोट, इसको हम ट्रॉलर कहते हैं। हमने लिखा ये फिशिंग बोट यूज फॉर ट्रॉलिंग, यानी कि मछलियां पकड़ने के लिए जो यूज होता है दैट इज ट्रॉलर, ये यूज हुआ है यहां पर, देखेंगे कैसे। अगला वर्ड दोस्तों इम्पाउंड। इम्पाउंड आपका वर्ब की तरह यूज होता है, लिखते जाना दोस्तों, लिख लिख कर जब आप लिखते हो डेली तो आपको याद हो जाती है चीजें, ठीक है, तो लिख लिख कर याद करने में बेटर रहता है। इम्पाउंड लिखो, वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स सीज एंड टेक लीगल कस्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज को लीगली आपने कब्जे में कर लिया, लीगली आपने पकड़ लिया, सीज कर लिया समथिंग स्पेशली, जैसे व्हीकल है कोई, गुड्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, क्यों, बिकॉज ऑफ एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लॉ, क्योंकि किसी लॉ का इंफ्रिंजमेंट हुआ होगा। इंफ्रिंजमेंट का मतलब उसका वायोलेशन हुआ होगा, उल्लंघन किया होगा, इस वजह से आपने उसको क्या कर लिया, सीज कर लिया, ये सीज करना दोस्तों इंपाउंड कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है। अगला वर्ड है आपके लिए आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट वर्ब है, वर्ब में लगा थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आर्टिकुलेटेड मतलब हैविंग टू और मोर सेंक्शंस कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल जॉइंट।
असल में किसी जॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ कोई भी चीज किसी से जुड़ी हुई है तो फिर वो उससे आर्टिकुलेटेड है। समथिंग विच इज आर्टिकुलेटेड विच मीन्स कि वो जुड़ी हुई है किसी से, तो वो इस तरीके से जुड़े होने को दोस्तों हम आर्टिकुलेट करना कहलाता है। याद रखिएगा एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। टिंकर आपका अगला वर्ड है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है टिंकर। टिंकर का मतलब है आप कोशिश करें किसी चीज को रिपेयर करने की, लेकिन बहुत कैजुअल तरीके से। अटेम्प्ट टू रिपेयर और इंप्रूव समथिंग, किसी चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करना इन अ कैजुअल और डिजल्टरी वे, एक बहुत ही कैजुअल तरीके से, इसे बोला जाता है दोस्तों टिंकर। वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, याद रखना है, ठीक है। इसे बोला जाता है दोस्तों टिंकर, वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ, याद रखना है। अगला वर्ड है आपके लिए अनफेटर्ड। अनफेटर आपका वर्ब की तरह यूज होता है, थर्ड फॉर्म लग गया, हो गया अनफेटर्ड, विच मीन्स किसी भी चीज, कोई भी चीज जिसके ऊपर किसी भी तरीके का बंदिश नहीं लगी हो, किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं हो, किसी भी तरीके का अंकुश नहीं हो, दैट इज अनफेटर्ड। हमने लिखा और नॉट कन्फाइंड या फिर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, कोई चीज जो कि कन्फाइंड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसे हम बोलते हैं निरंकुश। तो याद रखिए दोस्तों इस तरीके से यूज होता है। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे लोग, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड, एवरीबॉडी टेक दी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन हो गया, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। इसी तरीके से अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके अगला वर्ड है आपके लिए फर्दरेंस। फर्दरेंस है वर्ड के लास्ट में एनसीई है ना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना है वर्ड के लास्ट में एनसीई होता है तो नाउन की तरह यूज होता है। फर्दर से बना है फर्दरेंस, फर्दर से बना दी एडवांसमेंट ऑफ अ स्कीम और इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट और स्कीम का क्या और बेहतर कुछ हो सकता है उसे हम बोलते हैं एडवांसमेंट, क्या बेहतर हो सकता है उसे हम बोलते हैं एडवांसमेंट, बढ़ती हमने लिख दिया दैट इज फर्दरेंस। ये आपका दोस्तों नाउन की तरह यूज हुआ है, इसको याद रखना है। ओके अगला वर्ड है आपके लिए लेजिस फेयर। अगला वर्ड है आपके लिए लेजिस फेयर, ये आपका पूरा का पूरा नाउन की तरह यूज होता है लेजिस फेयर, विच मीन्स द पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन वे और ओन कोर्स। कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ये वो पॉलिसी अलाउ करती कि कोई काम अपने हिसाब से करिए, जब कोई पॉलिसी ये अलाउ करती कि कोई काम वो व्यक्ति अपने हिसाब से करेगा, इसे हम बोलते हैं लेजिस फेयर, यानी विदाउट इंटरफेयरिंग, कोई भी इंटरफेरेंस वहां पर नहीं है या कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस वहां नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं दोस्तों लेजिस फेयर। क्या बोला जाता है? लेजिस फेयर, याद रखिएगा नाउन की तरह यूज होता है, ऐसे करके ऐसे ध्यान रखना है। ओके अगला वर्ड है दोस्तों YELL, येल आपका वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स शाउट इन अ लाउड शार्प वे या फिर कॉल आउट करना, कहने का मतलब है चिल्लाना, शाउट आउट करना, दैट इज येल। ये चिल्लाहट और नेगेटिव के सेंस में यूज होता है दोस्तों, पॉजिटिव में नहीं यूज होता। तो शाउट इन अ लाउड शार्प वे के कॉल आउट करना वो आपका येल कहलाता है, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है, लिख लो इसको। अगला वर्ड है फ्रिजाइल। फ्रिजाइल का मतलब है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक है, यानी कि इजिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, थ्रेटन हो सकता है किस पर, इजिली डिस्ट्रॉयड और थ्रेटन्ड हमने यहां पर लिख दिया, नाजुक हिंदी में लिखा, दैट इज फ्रिजाइल, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। ओके अगला वर्ड है दोस्तों आपके लिए कोहरेंट। कोहरेंट में वर्ड के लास्ट में ENT है ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, कोहरेंट भी एग्जैक्टली एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहरेंट का मतलब हो जाता है कोई भी बात आप लॉजिकल है तो वो कोहरेंट है, कहने का मतलब ये कोहरेंट मतलब लॉजिकल। हम लिखा ऑफ एन आर्ग्यूमेंट थ्योरी या फिर पॉलिसी जो लॉजिकल है या फिर कंसिस्टेंट है, हाँ, फॉर्मिंग अ यूनिफाइड होल, जो पूरा पूरा यूनिफाइड एक कंप्लीट कोई सेंस बना रही है, कंप्लीट कोई लॉजिक बना रही है, उसी को हम कहते हैं वो चीज कोहरेंट है। हम पैराग्राफ पढ़ते हैं या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं या रीअरेंजमेंट करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना डायरेक्शन में कि इसको रीअरेंज करो टू मेक अ कोहरेंट पैराग्राफ, एक कोहरेंट पैराग्राफ बनाने के लिए वर्ड स्वैप है, उसको रीअरेंज करो टू मेक अ कोहरेंट लाइन, एक कोहरेंट लाइन बनाने के लिए, कोहरेंट सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। तो कोहरेंट ऐसा हो जाता है लॉजिकल की तरह यूज होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों वॉरमॉन्जरिंग। अगला वर्ड है वॉरमॉन्जरिंग। वॉरमॉन्जरिंग नाउन की तरह यूज होता है। वॉरमॉन्जरिंग मतलब एनकरेजमेंट या फिर एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है सपोर्ट करना। एनकरेजमेंट और एडवोकेसी ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स अदर कंट्रीज और ग्रुप्स। दूसरी कंट्रीज दूसरे ग्रुप्स को लेकर आप एनकरेजमेंट दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उनके अग्रेशन को लेकर। किसके अग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं? उन कंट्रीज के अग्रेशन को सपोर्ट करना, अग्रेशन को एनकरेज करना, ये आपका दोस्तों वॉरमॉन्जरिंग कहलाता है, नाउन की तरह यूज होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वॉरमॉन्जरिंग कहलाता है, नाउन की तरह यूज होता है दोस्तों, इसे याद रखना है। अगला वर्ड है विलिफिकेशन।
विलिफिकेशन में वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिया होगा, नाउन की तरह यूज होगा, ये भी ऐसे यूज हुआ है विलिफिकेशन, विच मीन्स अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग स्पीच और राइटिंग। आप बोलने में या फिर कहने लिखने में, बोलने में या लिखने में किसी को आप डिस्पैरेज कर रहे हो यानी कि डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, ये डिसरेस्पेक्ट करना विलिफिकेशन कहलाता है। हमने लिखा अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग स्पीच और राइटिंग, ऐसी स्पीच राइटिंग को हम कहते हैं विलिफिकेशन, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है। ओके, अगला वर्ड है आपके लिए दैट इज अप्रोबेशन, वर्ड के लास्ट में आई ओ एन है, नाउन की तरह यह भी यूज होगा, अप्रोबेशन भी नाउन है, विच मीन्स अप्रूवल और प्रेज, किसी भी तरीके की प्रशंसा करना, अप्रूवल देना, यह आपका अप्रोबेशन कहलाता है, याद रखना है, नाउन की तरह यूज हुआ है। अगला वर्ड है रिलेंट, रिलेंट आपका वर्ब की तरह यूज होता है, विच मीन्स बिकम लेस सीवियर और लेस इंटेंस, लेस सीवियर और लेस इंटेंस बन जाना, दैट इज रिलेंट, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है, नरम पढ़ना, हिंदी में लिख दिया। अगला वर्ड है इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म में वर्ड के लास्ट में आईएसएम दिया होगा, नाउन की तरह यूज होगा, ये भी नाउन की तरह यूज हुआ, इंपीरियलिज्म विच मींस ए पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर और इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन के थ्रू कंट्री की पावर को बढ़ाना है, जैसे ब्रिटेन ने क्या कहते हैं कॉलोनाइजेशन कर ले रहे, हड़प ले रहे, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, तो उसने अपना इंपीरियलिज्म बढ़ा दिया, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स का इस्तेमाल करके अपना कंट्री को बेसिकली बढ़ा लेना, साम्राज्यवाद हिंदी में लिख दिया। ओके, अगला और आखिरी वर्ड है अपने पास वेलर, वेलर नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है किसी प्रकार की स्ट्रेंथ, किसी प्रकार की करेज, उस करेज को हम वेलर कहते हैं, ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन अ बैटल, वही आपको कहलाता है वेलर। स्क्रीनशॉट लो, दिस इज योर सेकंड स्लाइड, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लें इसको। ओके, डन, सबने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम रीडिंग, यहां तक सबको समझ में आ गया, फोन में देख रहे हो, थम्स अप देकर जल्दी फटाफट से बताओ यस सर वी गॉट इट। अब हमें रीडिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बता देता हूं, रीडिंग करने के लिए वो कैप को ध्यान रखना दोस्तों, वो कैप को ध्यान रखते रखते आपको बस रीडिंग में वर्ड के यूजेज को देखना, एक एक करके वर्ड हम पढ़ेंगे, कोई भी ये कोशिश मत करना कि लाओ पहले ग्रामर देख ले रहे हैं, ग्रामर देखने से क्या होगा, हम ग्रामर में फंस जाएंगे और हमारी रीडिंग नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं होने देना, ठीक है दोस्तों, आ जाओ अब हम इसे पढ़ लेते एक एक करके, तो यह हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं बड़े ध्यान सुनो, आज है आपकी मेंस की क्लास, कल मैंने वैसे अनाउंस किया हुआ था, आज मैं फिर से बता दे रहा हूं, मेंस की क्लास है, हम 10 बजे दोस्तों मिलेंगे, जैसे कि 10 एम यूट्यूब पर क्लास होती है वही 10 एम आज भी क्लास होगी, और उस 10 एम की क्लास में आप सीखना जो मेंस की क्वेश्चन है, किस तरीके से मेंस की क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चंस मेंस के आते हैं, और बढ़िया तरीके से हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी सीरीज को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। देखो क्या है वार्निंग बेल्स, क्या है वार्निंग बेल्स, आपको वार्न करती हुई कोई घंटी, इंडिया मस्ट एंश्योर, इंडिया को ध्यान रखने की जरूरत है कि मोर अवेलेबिलिटी हो बेड्स की, मेडिसिन की एंड वैक्सीन की टू डील विद ओमिक्रोन, ओमिक्रोन से डील करने के लिए, यानी कि कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिला है जिसकी वजह से चिंता यहां पर बढ़ रही है। क्या है बड़े ध्यान से सुनो एक एक करके, इंडिया हैज रिपोर्टेड ओवर 200 केसेस, इंडिया ने दिखाया 200 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं ऑफ द हाईली इंफेक्शियस ओमिक्रोन वेरिएंट के, गिवन दैट देयर वर नो केसेस व्हेन द मंथ बिगेन, हमें पता था जब महीना शुरू हुआ तब इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं था, दिस हैज पुट द सेंटर इन अ हाई स्टेट ऑफ अलर्ट, अब केसेस आ गए जिसकी वजह से हाई स्टेट ऑफ अलर्ट पे इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को रख दिया है। ओके, An unmistakable foreboding was writ large in a letter. एक letter में लिखते हुए बताया गया by the Union Health Secretary के द्वारा किसको, to Chief Secretaries of States, सभी states के जो Chief Secretaries हैं और Union Territories के on Tuesday, उसमें ये लिखा होता letter में that has asked as them to be prepared, जिसमें उन्होंने कहा उन सभी states से कि भैया आप prepare हो जाओ, सभी states का मतलब जितनी भी states हैं prepare हो जाओ for the worst, की कुछ भी worst आ सकता है तो उसके लिए ready हो जाओ, तो कुछ भी वर्स्ट आ सकता है उसके लिए रेडी कैसे रह सकते हैं, आप जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो भी अभी हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 2 सालों का उन सबको ध्यान रखते हुए हम उस पर रेडी रह सकते हैं। तो इट सेड उस आर्टिकल में ये उस लेटर में ये लिखा गया है, इट सेड दैट ओमिक्रोन वॉज एटलीस्ट 3 times मोर ट्रांसमिसिबल, ये तीन गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है देन द डेल्टा वेरियंट,
एंड देयरफॉर ग्रेटर फोरसाइट की जरूरत है, डेटा एनालिसिस, डायनामिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट एंड प्रॉम्प्ट कंटेमिनेशन एक्शन लेने की जरूरत है, जहां पर किसी भी चीज को कहीं पर भी रोका जा सके, वर रिक्वायर्ड एट द लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, इसकी जरूरत है लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दोनों ही लेवल पर. ओके, इट ऑल्सो अंडरलाइन लेटर में यह भी बोला गया, टू स्पेसिफिक पैरामीटर्स है which states have to be vigilant about, जिसके लिए states को बहुत निगरानी रखनी होगी. क्या है? पहला, a test positivity of 10% की कहीं पर भी अगर number of cases आ रहे हैं, उसमें से देखा जा रहा है positive कितने आ रखे हैं इसमें से, अगर 10% के आसपास हैं या फिर ज्यादा है more in the last week में, and bed occupancy across हो रही है अगर 40% या उससे ज्यादा on oxygen supported या फिर ICU की, तो इसको लेकर उनको बहुत ज्यादा vigilant होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है. अब इन्होंने कुछ कुछ केसेस बताई. देर वर एकोज इन द लेटर ऑफ द डेज व्हेन इंडिया वाज अंडर अ कंप्लीट लॉकडाउन. तब जब इंडिया कंप्लीट लॉकडाउन में था तो काफी ज्यादा परेशानी आती, तो वो एको हमारे सामने गूंजता है. इट एग्जोटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, ये आह्वान करता है, ये रिकॉल करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का, जब जब जरूरत थी टू इम्पोज नाइट कर्फ्यू, तो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया था. स्ट्रिक्टली रेगुलेट किए गए थे लार्ज गैदरिंग्स को, वो अभी भी किया जाए. कर्टेल नंबर्स इन मैरिजेस, शादियों में जितने लोग आ सकते हैं उनकी संख्या को कम किया जाए. फ्यूनरल कहीं हो रहा है, किसी का दाह संस्कार हो रहा है, उसमें संख्या कम की जाए. एंड रेस्ट्रिक्ट नंबर्स इन ऑफिसेज, ऑफिसेज में नंबर कम किए जाए, इंडस्ट्रीज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. इट ऑल्सो डायरेक्टेड प्रीएम्प्टिव एक्शंस, तो ये सारे के सारे प्रीएम्प्टिव एक्शंस भी लेटर में बोले गए हैं. कहने का मतलब है कि ऑफिशियली अब इस बार ओमिक्रोन को लेकर ऑफिशियली वार्निंग लेटर है, वार्निंग लेटर नहीं है, ये वार्निंग बेल है, जो कि लेटर के थ्रू सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज के जो हेड्स हैं उन तक पहुंचाया गया है कि आप लोग अपनी अपनी जगह इसको रेडी कर लो और प्रिपेयर हो जाओ, सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, बहुत तेजी से फैलता है. ये है सिचुएशन दोस्तों हमारे सामने यहां तक. बोलो जी, सबको समझ में आया? अब हम बात करेंगे उन स्टेट्स की जहां जहां पर दोस्तों ये अभी फैला है, जिसके अभी हमें यहां पर सबूत मिले हैं. महाराष्ट्र एंड दिल्ली हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ ओमिक्रॉन, फॉलोड बाय तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड गुजरात. इंडियाज डेली केस काउंट हैज एब, वो डेली केस काउंट कितने हैज एब एंड रिमेन वेल बिलो 10,000, वो रुक गए थे और तकरीबन 10,000 से कम ही थे फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ से, ए फर्स्ट सिंस मे 2020. ओके, क्लोज टू 90% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड, 90% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है विद एटलीस्ट वन डोज से, तो हो ही चुकी है. ओके, From the numbers alone, सिर्फ अगर हम संख्याओं से देखें, India is in a much better position. तो India एक तो better position में है than from last year, पिछले साल से compare करें तो, और even as recently as this summer, अगर हम इस summer से भी compare करें तो, when the devastating second wave struck a body blow, जब second wave आया था, यानी delta variant आया था, उससे भी हम better तरीके से prepared हैं. Okay. However, the concentration in the center में जो भी डर वाली जो खराब सिचुएशन है वो ये है, appears to derive from the experience of the last 2 years when waves in Europe and United States were harbingers of havoc in India. वो वहां पर जो वेव आई थी उसकी वजह से इंडिया में क्या इंपैक्ट आया था और इंडिया में वो सब devastated कर चुकी थी. वही लास्ट ईयर इट अपियर्ड, तो ये एक यहाँ पर खराब वाली चीज है. लास्ट ईयर ये भी देखा गया था कि जो वैक्सीन्स हैं वुड बी द वर्ल्ड्स पासपोर्ट आउट ऑफ द पैंडेमिक, वो वर्ल्ड की एक पासपोर्ट की तरह रह गई थी कि भैया वैक्सीन है तभी आप इधर उधर जा सकते हो वरना जा भी नहीं सकते, तो एक इस तरीके से वो वैक्सीन बन चुका था. इट नाउ सीम्स, लेकिन अब क्या प्रतीत होता है, दैट इवन अ थर्ड डोज इन इनएडिक्यूट, कि अगर आप थर्ड डोज भी लगा दोगे तो भी इनएडिक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसके बावजूद भी ये ना फैल रहा है. तो ये अपने सामने यहाँ पर पिछली साल हमें लग रहा था कि वैक्सीन लग गई एटलीस्ट, तो वो व्यक्ति सेफ है, वो कहीं भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इस बार वो चीज भी नहीं आ रही है. इंडिया इज ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट, इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन अ सिंगल वैक्सीन पर, इन स्पाइट ऑफ टू बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, नन ऑफ दी एमआरएनए वैक्सीन इज अवेलेबल, कोई भी एमआरएनए वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं अभी फिलहाल इंडिया में. ड्रग रेगुलेटर्स आर येट टू क्लियर वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन लगेगी इसको लेकर अभी भी जो ड्रग कंट्रोलर है, ड्रग रेगुलेटर है, वो अभी भी क्लियर होने को है. बूस्टर डोजेस, जो बूस्टर डोजेस लगनी है, पार्शली आउट ऑफ कंसर्न, दिस मे ट्रिगर अ शॉर्टफॉल, तो हो सकता है इससे शॉर्टफॉल हो जाए, क्योंकि यार
बूस्टर डोजेस भी तो बहुत कम है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है और वो भी लगी नहीं किसी को। तो ये अपने सामने अभी भी इसको लेकर ड्रग रेगुलेटर के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक गुड 40% ऑफ अडल्ट्स का 40% हिस्सा एंड दे आर स्टिल द मोस्ट वल्नरेबल है जो सर्व जो टू सीवियर डिजीज के लिए आर येट टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, वो अभी भी फुल्ली वैक्सीनेट होना है। क्राउड्स एंड पब्लिक मिंगलिंग आर क्राउड्स हो जाए, अब लोगों से घुलना मिलना जो है आर एट प्री पैंडेमिक लेवल्स, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स की तरह है एंड दी कमिंग मंथ्स विल सी ह्यूज क्राउड्स। आगे आने वाले महीनों में अभी ह्यूज क्राउड्स और आएगा एज पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का पार्ट हिस्सा बनेगा। द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन विल बी नोन, इसका ट्रू इम्पैक्ट तब हमें पता चलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, बट द सेंटर मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्राइक द गोंग ऑफ कॉशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार कॉशन वाली चीजें बताते रहनी पड़ेंगी वाइल फैसिलिटेटिंग ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हॉस्पिटल बेड्स एंड वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड्स हो वैक्सीन हो और मेडिसिन को प्रोवाइड करने के साथ साथ ये साथ में वार्निंग भी देती रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज अबाउट दी आर्टिकल, पूरे तरीके में कॉशियस होने की बात की जा रही है, राइटर की टोन विदाउट एनी डाउट कॉशियस टोन है, कॉशियस टोन में हुआ है दोस्तों ये आर्टिकल खत्म। मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया इसकी टोन आपकी दोस्तों, ये कॉशियस टोन में हुआ है खत्म। एवरीबॉडी सबको क्लियर हो गया कि नहीं? और ये है नया एक ऑफिशियल वार्निंग है एक तरीके की, वार्निंग क्या है ऑफिशियल बेल है, ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गया, बढ़ते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 2 उसको पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग ऐसे ही करते हैं वन बाय वन, एक एक करके शब्द को पढ़ोगे तो रीडिंग आपकी हो जाएगी बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है, सही है, बोले जी सर समझ गए, डन है ना, परफेक्ट है ना, एक सेकंड रुक जाना बस, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ, उसमें भी हम यही चीज ध्यान रखेंगे, हम ग्रामर नहीं सिर्फ वर्ड और उनके यूजेजेस कैसे हो रहे हैं बस वो ध्यान रखते जाएंगे, पूरी रीडिंग आपकी हो जाएगी। आओ जरा देखते हैं, ये रहा ट्रबल्ड वॉटर्स, मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू वीन अवे फिशरमैन फ्रॉम ट्रॉलर्स, ट्रॉलर्स से फिशरमैन को दूर रखने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। ट्रॉलर्स क्या होती हैं? वही बोट होती हैं जिन बोट में जाल लगा होता है मछलियों को पकड़ने का। हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं, यहां हम खुद ही इसी से पढ़ लेते हैं भी समझ में आ जाएगा, देखो मेरे साथ साथ पढ़ते जाना दोस्तों एक एक करके। The arrest of 68 Tamilnadu fishermen, 68 Tamilnadu fishermen का arrest किया गया by Sri Lankan authorities के द्वारा between December 18 to 20, 68 Tamilnadu fishermen को गिरफ्तार कर लिया गया and the impounding of 10 boats, 10 boat थी उन boat को भी कब्जे में कर लिया गया, क्या करने के लिए फॉर पोचिंग, कि वहां पर पोचिंग की गई, पोचिंग करने का मतलब होता है एक तरीके का शिकार करना ना, दैट इज पोचिंग इन टेरिटोरियल वाटर में, हैव अगेन रेज कंसर्न, इसने भी कंसर्न उठा दिया है अबाउट द फेट ऑफ द मैन, कि उन लोगों का अब क्या भविष्य होगा। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा रेगुलर कई बार आप देखते रहते हो कि फिशरमैन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और वो जो एरिया है ना वो पाक स्ट्रेट का एरिया है जहां पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में वाटर बॉडी में जैसे ही थोड़ा बहुत आगे जाते हैं और उनकी सीमा में वो चले गए, तो उनकी सीमा में चले गए तो आए दिन हम केस देखते हैं कि वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और वो गिरफ्तार कर लेते हैं फिर यहां से उनको छुड़वाया जाता है। बट ऐसा सिर्फ इतना होता है तो ये कंसर्न वाली बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्न वाली बात है जब कई बार डेथ हो जाती है, जैसे कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, ये कंफर्ट एंड रिलीफ की बात है, द इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका जो है इज वर्किंग टू सिक्योर देयर अर्ली रिलीज, कोशिश कर रहे हैं उनकी अर्ली अर्ली रिलीज हो जाए। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एन के स्टालिन इन हिज कम्युनिकेशन टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ऑन मंडे, उन्होंने ये कहा फोकस किया हैज अंडरस्कोर द नीड टू गेट बैक 75
फिशिंग बोट्स, 75 फिशिंग बोट्स अभी वहां पर है, उनको वापस लेकर आना है, उसको भी वापस लेना है फ्रॉम श्रीलंका से। फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु जो है गेटिंग अरेस्टेड, जो अरेस्ट हो रहे हैं एंड रिलीज लेटर, बाद में रिलीज हो जाते हैं, हैज बिकम अ रूटीन अफेयर। ये एक रूटीन अफेयर होता चला आ रहा है, मतलब ऐसा काफी बार हो चुका है। बट देर हैव बीन केसेज ऑफ डेथ, लेकिन कुछ केसेस तो यहां पर डेथ्स के भी हो गए हैं, यानी कि जो फिशरमैन था, फिशरमैन थे, उनकी डेथ हो गई। कैसे हो गई डेथ, देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन जनवरी इसी साल 2021 में 4 फिशरमैन फ्रॉम रबनथपुरम डिस्ट्रिक्ट से लॉस्ट देयर लाइफ्स आफ्टर देयर विजल कोलाइडेड, जब उनकी जो बोट थी वो बोट ना कोलाइड हो गई, यानी कि वो भिड़ गई, टक्कर लग गई विद श्रीलंकन नेवल से, क्राफ्ट से। There was a similar case in October, same as ऐसा केस अक्टूबर में हुआ, in which a fisherman died, जिसमें एक fisherman की डेथ हुई। This is why जो पाक वे है, पाक जो पाक स्ट्रेट में पाक बे है, पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट जो है needs a resolution soon, इनको resolution की जरूरत है। पाक बे समझ गए ना, अपना ये वाला एरिया जैसे, और ये रहा श्रीलंका, तो ये वाला हिस्सा जो है पाक स्ट्रेट और पाक बे, ठीक है। Okay, this is why the Park Bay fishing dispute needs a resolution soon. The fact that many rounds of discussion, fact ये कि कई बार जो discussion हो भी चुका है at the levels of fishermen and the governments of the two countries have not led to any tangible improvement. कोई भी अच्छा खास improvement नहीं देखने को मिला in this situation में. Should not deter the pursuit of sustained engagement to sort out a problem that involves humanitarian and livelihood issues. वो इस तरीके की problem को नहीं solve कर पाया जिसमें livelihood और humanitarian issues involve हैं, और किसी भी तरीके की अभी जो discussion होते हैं, discussion हो जाते हैं, छूट जाते हैं, फिर से कोई fisherman या कोई boat होती है उसे कब्जे में कर लिया जाता है, या फिर किसी की death हो जाती है, हम लोग ऐसे करके situation को देखते हैं, which is not a good thing, जो good sign कहीं से भी नहीं बन रहा है। तो ये तो था हमारा paragraph number 1। आगे बढ़ते हैं। The bone of contention, झगड़े वाली बात क्यों है, क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो उसके बारे में बताता हूं। The bone of contention between the two countries has been the use of bottom ट्रॉलर्स, वो है बॉटम ट्रॉलर्स का यूज करना। एक होता ट्रॉलर नॉर्मल, इधर बॉटम ट्रॉलर्स, बॉटम ट्रॉलर्स में नीचे काफी गहरी जगह पर ये एक बोट होती है जिसमें जाल लगा होता है। अब इससे क्या होता है, इनका कहने का मतलब, अगर आप बॉटम ट्रॉलर यूज करोगे तो मरीन लाइफ जो है वो इफेक्ट करेगी, ये इनका कहने का मतलब है। सो यूज बेसिकली दिक्कत है, यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स बाय द तमिलनाडु फिशरमैन, ए प्रैक्टिस है अपोज इन श्रीलंका नदन प्रोविंस, श्रीलंका के नदन प्रोविंस में ये मना है, ऑन द ग्राउंड दैट ट्रॉलिंग, उनका कहना ये है कि जो ट्रॉलिंग है डैमेजेस द मरीन इकोसिस्टम, ये मरीन इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है। This practice has been banned, ये practice ban हो चुकी है श्रीलंका में, and there have been agitations, और इसको लेकर गुस्सा भी है, for stringent enforcement of the law, कि इस law का जो strict enforcement हुआ है वो लोगों का गुस्सा है, क्योंकि वहां पर भी तो बहुत सारे fishermen होंगे जिनकी रोजी रोटी चली गई होगी इस चक्कर में। More than anything else, the fishermen of Tamil Nadu should take into account, उनको ये चीज ध्यान रखनी है, the fact that their counterparts on the other side of the Park State are still struggling to pick up the threads of their lives, वो अभी भी struggle कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी पूरी पूरी जो जीविका थी वो इसी से चल रही थी। तो ये चीज तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनको भी दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी तरफ वो लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं आफ्टर अ ब्रूटल सिविल वॉर के बाद। सो गिवन दैट एन एम्बिशियस 1600 crore रुपीज स्कीम, 1600 करोड़ रुपए की जो स्कीम है ऑफ रिप्लेसिंग इन 3 years, कि 3 सालों में रिप्लेस कर देंगे 2000 बॉटम ट्रॉलर्स को विद डीप सी फिशिंग बोट्स के साथ, इनको हटाकर क्या लगा दिया जाए, डीप सी फिशिंग बोट्स, तो इससे क्या होता है कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो खराब नहीं होगा। बट वो अभी हुआ नहीं, इक्विप विद लॉन्ग लाइन्स, ये अभी लंबा समय है इसको पूरा होने में, एंड गिलनेट्स कंटिन्यूज टू बी डिसअपॉइंटमेंट, और ये चीज हमारे लिए अभी डिसअपॉइंटमेंट बनी हुई है। बोथ सेंट्रल और साथ में तमिलनाडु जो गवर्नमेंट्स है नीड टू टेक अप फ्रेश इनिशिएटिव्स टू गेट द फिशरमैन ऑन बोर्ड, और उनको नए इनिशिएटिव लेने चाहिए फिशरमैन को ऑन बोर्ड लाने के लिए, फिर से फिशरमैन को उन पर काम करने के लिए, वरना इस तरीके से कोई क्यों भी काम करेगा, है ना। गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है तो लोगों के पास थोड़ी ना इतना पैसा होगा, वो पैसा होता तो फिर फिशरमैन नहीं होते, मेन चीज ये। और जब जब कभी किसी बोट को पकड़ा जाता है तो ना तो बोट का मालिक फंसता है वहां पर, ना ही बोट के मालिक का कोई लेना देना बच नहीं पाता, वो वहां चाहे वो लड़े चाहे मरे चाहे उसको अरेस्ट किया जाए, तो वो तो एक वर्कर होता है और वो एक गरीब व्यक्ति ही होता है, तो यहां पर इस तरीके से फंस जाता है, ये वाली बात यहां पर है। द मेन रीजन फॉर फेलियर इज द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्ट, मेन रीजन जो अभी तक है इसका फेलियर का 2000 को ये बदलना था, वो है जो कॉस्ट, जो पैसा लग रहा है टू बी बोर्न बाय द फिशरमैन, कि जो फिशरमैन के द्वारा बोर्न किया जाना है,
अकाउंटिंग फॉर 30% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 80 लाख रुपीज, तो तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 30% यूनिट कॉस्ट है। द टू गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 70%, बाकी 70% तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर करेंगे, लेकिन जो 30% खर्चा है वो फिशरमैन ही करेंगे, ये वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट बढ़ने से एटलीस्ट 1.2 करोड़ रुपीज, विच विल बी एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ अ सिमिलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इसके अंतर्गत ही है। द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर शेयर ऑफ सब्सिडी, तो गवर्नमेंट को यहां पर सब्सिडी बढ़ा देनी चाहिए, कहने का मतलब ये। दे शुड ऑल्सो मोटिवेट द फिशरमैन, उन्हें फिशरमैन को मोटिवेट भी करना चाहिए टू अडॉप्ट सी केज फार्मिंग को एंड सी ओशन रेंचिंग को, विच वर ऑल कवर्ड अंडर द PMMSY, जो इसी स्कीम के अंतर्गत कवर होते हैं। सच एन अप्रोच इज एसेंशियल, ऐसी अप्रोच की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, एज द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड, क्योंकि फिशरमैन को मुश्किल लगता है टू रेस्ट्रिक्ट themselves, कि अपने आप को वो रेस्ट्रिक्ट करने टू इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स में ही, गिवन द लिमिटेड मरीन वेल्थ, क्योंकि यहां पर लिमिटेड मरीन वेल्थ हो गया, लिमिटेड एरिया हो गया ऑन द इंडियन साइड, बट द प्रायोरिटी नाउ फॉर द न्यू दिल्ली शुड बी इन सिक्योरिंग द स्विफ्ट रिलीज ऑफ 68 फिशरमैन। अभी लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, 68 फिशरमैन जिनको गिरफ्तार किया गया उनका रिलीज कैसे कराया जाए जल्दी जल्दी, ये इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल में सजेशन दिया जा रहा है, शुरुआत से सजेस्टिव टोन में दोस्तों आर्टिकल हुआ खत्म। Now tell me, क्या ये आप सबको क्लियर हो गया अच्छे से कि किस तरीके से आर्टिकल में बात कही जा रही है? हमने बिल्कुल भी ग्रामर का इस्तेमाल या नहीं किया, बिना ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इसे पढ़ लिया। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मुझे एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बताओ, यस सर वी गॉट इट, हमें समझ में आ गया, ये है हमारा अगला आर्टिकल। और कितने लोगों ने थम्स अप दिया है, 559 लोगों ने थम्स अप दिया है, बाकी लोगों ने थम्स अप अभी दिया नहीं, क्यों नहीं दिया भैया, भूल जाते हो क्या? जल्दी से देखो किस किस ने थम्स अप नहीं दिया, बढ़िया लग रहा, लाइक बटन पर प्रेस कर दो सभी लोग, फटाफट से आ जाओ। इसके बाद दोस्तों पढ़ने के लिए आपके लिए देखो ये वाला बिल वाली बात है, इसे पढ़िएगा, ये कि आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो क्या फायदे हैं, नुकसान क्या क्या है, कल हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था, वही आर्टिकल है, तो डीप डिस्कशन है, इसको करना है आपके लिए, ठीक है? आप सुनो, ये आप पढ़ोगे होमवर्क में, कहां गया यहां ना, फिर ये फॉरेस्ट वाला भी पढ़ना अगला, लुकिंग बियॉन्ड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। देखो, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑलरेडी ड्राफ्टेड फॉर द ट्राइबल पीपल नीड टू बी इंप्लीमेंटेड एवरीवेयर, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो ट्राइबल पीपल के लिए बने हुए हैं, वो हर जगह उसको इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन हर जगह हो जाना चाहिए। देखो कैसे, द फॉरेस्ट राइट एक्ट has been in existence for 15 years, 15 सालों से एग्जिस्टेंस में है। एज ऑन April 30, 2020, the Ministry of Tribal Affairs had received इतने क्लेम्स रिसीव हुए, 42,50,602। ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी के थे, ऑफ विच टाइटल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 46% ऑफ द एप्लीकेंट्स। इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स व्यूज आर कंसीडर्ड, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यू को ध्यान रखा जाए, द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस इज मोर और लेस ओवर, तो शायद ये इतना ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है। बट द सपोर्टर्स ऑफ द ट्राइबल राइट्स, वो ये आरोप लगाते हैं दैट द डिपार्टमेंट इज ओवरलुकिंग, कि डिपार्टमेंट जो है वो इग्नोर कर रहा है द जेन्युइन क्लेम्स को ऑफ द ट्राइबल पीपल का कहना ये है कि हम जंगल में ही हमेशा से पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं छोड़ के जाएंगे, ये वाला क्लेम है। और ये क्लेम कितना है वो आप देख रहे हो, तो ये जो क्लेम है दोस्तों, इसी को लेकर दूसरी तरफ राइट्स और एक्ट की भी बात हो रही है, तो उसके हिसाब से यही डिस्कशन है। हालांकि अभी तक कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की है कि जो ट्राइबल पीपल हैं उन ट्राइबल पीपल को वहां से निकालकर दूसरी जगह जहां जंगल नहीं है वहां पर रहने की व्यवस्था हो, सारी चीजों की व्यवस्था हो, बट ये अभी ऐसे इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो नहीं पाया, उसी को लेकर डिस्कशन है दोस्तों। आप लोगों से पढ़ेगा, धीरे धीरे कोशिश होती है, एकदम से कोशिश नहीं होती, धीरे धीरे सारी कोशिश होती है। ये आर्टिकल है दोस्तों पढ़ने के लिए, बस दो आर्टिकल पढ़ना होमवर्क में बस बहुत है, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलेंगे आप 10 बजे, ठीक है, 10 AM पर मिलेंगे, अभी 2 घंटे बाद 8 बज रहा है, 9 और 10 बजे मिलते हैं। आज हम करेंगे मेन सी क्लास, ये मैंने जो आपको बता दी, ठीक है? तो आप सब लोग दोस्तों इस पे आकर इसे सेट रिमाइंडर कर लेना, इस तरीके से रिमाइंडर हो जाएगा आपका ऑन, लाइक बटन में कर देना प्रेस। आज हम मिलेंगे इंग्लिश की इस क्लास के लिए, मेंस की है क्लास नंबर 1, ठीक है? आप सब लोग दोस्तों इस पे जुड़ना। इसके अलावा दोस्तों आप हैं सभी लोग जो पढ़ रहे हैं ना और अनअकैडमी प्लस पर हैं, ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पर है, उसका फायदा अभी तक नहीं उठाया तो फायदा उठाओ भाई, है ना? फायदा कैसे उठाओगे? आप में सभी लोग जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक से आप पढ़ना चाह रहे हैं, ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पर हैं, तो मेरी प्रोफाइल पे आना, वहां पर आपको एक बैच दिखेगा जिसका नाम है बैंकर बैच। आप इस बैंकर बैच को एनरोल करके आप इसमें पढ़ना शुरू कर दो,
इसकी टाइमिंग है दोस्तों 3:15। अगर आप किसी बेसिक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2022 में जितने भी दोस्तों बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम है ना, सभी को टारगेट करते हुए ये बैच है। बैंक एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ ये बैच है, आप इसमें एनरोल कर लेना। जब आप सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों, आप जब से एनरोल करना तो आपसे कोड पूछेगा, तो इस कोड को लगाना AVP10। ये टीम AVP का कोड है AVP10। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ऑलरेडी प्लस पर हो तो आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं, आप सीधा एनरोल कर लो, बस पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, IBPS क्लर्क मेंस, PO मेंस, सभी मेंस, तो हम एक YouTube पर तो आज शुरू कर ही रहे हैं, YouTube पर तो आज हम शुरू कर ही रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हम 10 AM पर। इस पर तो होगी प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्चुअल जो सारी की सारी क्लासेस हैं वो दोस्तों प्लस पर है, और उन सारी क्लासेस के लिए वो टाइमिंग है वो है 11:30 बजे, है ना, वो 11:30 बजे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। कैसे लेंगे इसका सब्सक्रिप्शन, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। वेरी सिंपल स्टेप, सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। पहला स्टेप आपके सामने ये है, आपने ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप है आपके सामने, आपको अपना गोल चूज करना है। आपका गोल है बैंक एग्जाम, आपने यहाँ पर गोल चूज किया बैंक एग्जाम। गोल चूज करने के बाद दोस्तों आप क्लास पर आना, मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना। प्लस पर आओगे आपको प्लस का कोर्स मिलेगा, ऐसे ही स्पेशल पर आओगे तो आपको मेरी स्पेशल क्लास मिलेगी। आप इस कोड को लगाना AVP10, बस इस कोड को लगाना AVP10, आपकी क्लास आपको मिल जाएगी, आप इसे ओपन कर लेना। और सब्सक्रिप्शन लोगे तो भी आपको इसी कोड को लगा देना, आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको स्लाइड दिख जाएगी, है ना। यहाँ लिखा होगा आपके सामने हर मंथ की फी का प्राइस, आपने चूज किया फॉर एग्जाम्पल 12 months, और आपने इस कोड को लगाना है यहाँ पर, बस लगाया आपका 10% ऑफ हो जाएगा, आपने डिस्काउंट हो गया, आपका पेमेंट हो गया, ये हो गया डन। और कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मुझे बताना। बढ़िया तरीके से पढ़ो रेगुलरली, बेसिक्स तैयारी के लिए आप बैंकर बैच को ज्वाइन करो, 2022 के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बैच है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, प्रीलिम्स है, मेंस है, GDPI, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, सब कुछ इंक्लूडेड है दोस्तों, पढ़िए इसको, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अब 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। ऐसे कर लेना फॉलो आप लोग, देखो।